लोग क्या कहेंगे मैं कहती हूँ लोगों का काम है कहना और वो तो कहते रहेंगे माँ बाप औलाद बहन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है बट कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाता, नहीं उठाता। नहीं। आपका साथ जरूर देते हैं मेरे केस में मेरे सब बहन भाइयों ने इवन मैं अपने ब्रदर इन लॉ को कभी नहीं भूलती अमेजिंग मैन इन माई लाइफ यू नो माई ब्रदर इन लॉ माई फ्रेंड्स इन यू नो जो खातन डिसीजन नहीं ले पा रही हैं अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का उनके लिए वह दो हैं देखिए ये माँ बाप ये बच्चे ये दोस्त ये कॉलेग ये सब रहेंगे ये एक तरह का पज़ल होता है और वो आपने जैसे आप पैटर्न की बात कर रही थी उसको मैं अगर आम फैम अल्फाज में बताऊं तो औरतों को समझ नहीं आ रही होती है कि वो एक लाइफ जो होती है वो बिल्कुल एक पज़ल की तरह सारे पीसेज अलग 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 होते हैं आपकी कामयाबी है अगर आपने उन पीसेस को जोड़ लिया तो आप बहुत इजीली डिसीजन ले सकते हैं लेकिन अगर आप उन्हीं में फंसे रहे कि इसका क्या होगा अच्छा यहाँ हमारे यहाँ ये बहुत मसला है कि ओ लोग क्या कहेंगे ओ माय गॉड दिस इज माय फेवरेट लोग क्या <laughs> कहेंगे मतलब अगर मैंने अब अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है तो लोग इसको हाँ, भी जो है ना जज करेंगे हाँ, अच्छा जजमेंटल बहुत है अच्छा हमारे अच्छा बेटी होती तो डिफरेंट किस्म की जजमेंट होती कि बेटी की शादी की उम्र आ रही है अम्मा ने कुछ नहीं वहां पे तो फिर फॉरेन फतवे भी लग जाते हाँ, हैं और फॉरेन इस्लाम आ जाता है कि ना नाहरम ये सारे चक्कर ये सारी चीजें तो भाई बात वही होती है जब आप खुद वही बात के पैटर्न चेक कर लेते हैं पजल को सॉल्व कर लिया तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा आसान हो, हो जाता है और आपने कहा ना लोग लोग लो, क्या कहेंगे मैं कहती हूँ लोगों का काम है कहना क्या ना? और वो तो कहते रहेंगे क्योंकि अगर हम अपने पैगंबरों की नबियों की बात करें तो उन पर भी इल्जाम लगे उन पर भी लोग नाखुश हुए उन पर भी तोहमतें लगीं नाज़ुबिल्ला बहुत कुछ हुआ जो हमारे सामने हैं हम हम हमें पता चलता है किस्सों से कहानियों से किताबों से कि क्या कुछ हुआ है तो हम तो उनके सामने कुछ भी मतलब हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते पारे, तो पारे आप पारे किसी पारे। एक अगर मुझे रेड कलर पसंद है जो सनिया ने पहना है तो हो सकता है कि किसी और को ना पसंद हो तो आप अब क्या करें आप हर किसी को ना ख़ुश कर सकते हैं तो इसमें सबसे बेहतर क्या होता है कि ख़ुद को खुश किया जाए अपनी ख़ुशी को हम पीछे कर देते हैं और हुँ, दूसरों के लिए हम सोचना शुरू कर देते हैं कि वो बच्चे को हो सकता है स्कूल में टैबू वो मतलब उसको टारगेट करें उसको जो है ना ट्रिगर किया जाए उसको जो है बोलें कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया क्योंकि यहाँ होता, होता है ये भी एक फेयर होता, होता है आपके अंदर तो जैसे आपने डिसीजन लिया बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सिंगल मदर्स हैं जो घर में बैठी हुई हैं जो कि अपना करियर तो जैसे तैसे परसू कर रही हैं लेकिन वो ये डिसीजन नहीं ले पाती कि दोबारा शादी करें उन्हें भी तो ऑफर्स आती हैं कहते हैं ना जहाँ बेरी का दरख्त होता है और जिस घर में लड़की होती है वहाँ पत्थर ज़रूर आते हैं वहाँ प्रपोज़ल्स ज़रूर आते हैं चाहे लड़की जैसी भी हो अच्छी बुरी काली पढ़ी लिखी अनपढ़ जैसी भी होगी उसके रिश्ते भी आएंगे तो यहाँ पे भी ऐसी ख़वान हैं जो कि इस तरह हैं सिंगल मदर्स हैं ये जिनकी डिवोर्स हो गई है ये जो विडो हैं लेकिन वो नहीं डिसीजन ले पाते okay. उनके लिए आ, मेरे ख्याल से सनिया जो है वो एक दो दो मशवरे मेरे। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट दो मशवरे माँ बाप औलाद बहन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है बट कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाता नहीं उठाता। आपका हुँ. साथ जरूर देते हैं मेरे केस में मेरे सब बहन भाइयों ने इवन मैं अपने ब्रदर इन लॉ को कभी नहीं भूलती अमेजिंग मैन इन माई लाइफ यू नो माई ब्रदर इन लॉ माई फ्रेंड इन लोग मर्दों को बहुत बोलते हैं मेरी जिंदगी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे मर्दों से इर्द गिर्द है मेरे सपोर्ट था सब कुछ था लेकिन जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते ना अपने हाथ की अपनी जिंदगी किसी को तो जो ख़वान डिसीजन नहीं ले पा रही हैं अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का उनके लिए वह दो मशवर हैं ये माँ बाप ये बच्चे ये दोस्त ये कॉलीग्स ये सब रहेंगे अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं आप इन सबके साथ कैसे रहेंगे आप मुझे ये बता दें hmm. क्या आप दस साल बाद ये बोलेंगे अपनी औलाद को कि जी मैंने तुम्हारी वैसे शादी नहीं की राइट right? या क्या आप 20 साल बाद अपने माँ बाप को ये बोलेंगे मैं आपकी खिदमत कर रहा था इसलिए शादी नहीं की एक तो ये चीज hmm. है अच्छा ऑन द कॉन्ट्री ऐसा भी नहीं है कि इफ़ यू डेस्परेट टू गेट मैरिड तो बस आप ना अपने बच्चों को खातिर में ना आए ना अपने माँ बाप को खातिर में लाए ना अपनी फैमिली को खातिर में लाए और आप मुठा के शादी करें नो प्लीज बी बैलेंस्ड प्लीज बी वाइज एंड मेच्योर इनफ कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं कम से कम सिर्फ एक एक scanning से गुजार लेना mm. एक scanning से गुजार लें। और शबिस्ता ने मुझे सिखाई ये बात इज इट हेल्पिंग मी इज इट हार्मिंग फाइन मुझे help कर रहा है या मुझे हार्म कर रहा है? Help कर रहा है? है, है। कर ठीक स्कैन इट वंस मेरी शादी से मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं है मेरी शादी से मेरे शौहर या उसके प्रीवियस बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है मेरी शादी से कोई कोई मसला तो नहीं हो रहा hmm. या आप कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाने जा रहे कि, कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी hmm. या किसी की लाइफ में इतनी तकलीफ आ जाएगी कि वो बेर नहीं कर पाएगा सही. तो ये आपके बच्चे या आपके माँ बाप या आपके बहन भाई ये सब खुद ब खुद अलाइन हो जाते हैं अगर आपकी नीयत ठीक हो आपकी नीयत ठीक हो आपकी इंटेंशन ठीक हो आप किसी को नुकसान ना देना चाहते हो, और आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना कर रहे हो और तमीज से एक, एक पैटर्न लेके चल रहे हो खुद बहुत चीजें लाइन होती हैं खुद बहुत